नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। मैं पंकज और बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्या सच में बिटकॉइन जो है नवंबर में स्प्लिट होगा और उसका तीन हिस्से हो जाएंगे। एक ऑलरेडी हो चुका है, नवंबर में भी क्या दो हिस्से और होंगे, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इन चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या कारण है जो बिटकॉइन जो है नवंबर में स्प्लिट हो सकता है और क्या वो होगा, क्या आशंका है। ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ जो है पोस्ट हुई है 21 सितंबर 2017 को, इस बारे में हम बताएंगे आपको और इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों हम सबको सिर्फ ये पता है कि बिटकॉइन बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में, आज की डेट में बिटकॉइन को लेने की होड़ लगी हुई है। लेकिन उसकी जो सक्सेस है उसके बीच में जो है कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, कई सारे माइनर्स होते हैं, कई सारे डेवलपर होते हैं जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे होते हैं और इसके नेटवर्क को भी जो है स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे होते हैं, तो उसको अपडेट करते रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जब स्प्लिट का जो इशू आ रहा है वो इसी यही कारण है कि इसको स्प्लिट हो सकता है। और आपको जैसा कि पता है 1 अगस्त को ऑलरेडी स्प्लिट हुआ था, जिससे कि बिटकॉइन कैश बना था, तो इस बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और इशू को समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, तो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पे है, तो जो ध्यान रखा गया था सिक्योरिटी को रखा गया था। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो उस चीज़ को कंसर्न को नहीं दिखाई समझा गया था। तो इशू जब आ रहा है, आपको पता है कि ऑलमोस्ट एक ट्रांजैक्शन को जो एवरेज कंफर्म होने में 20 मिनट से जो है 6 घंटे तक लग जाते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस हैं जो पेंडिंग रह जाती हैं वो बैकलॉग में चली जाती हैं, और उसको काफ़ी कई बार आपने देखा होगा जून और जुलाई में, तो ये जो है ऑलमोस्ट 2-2, 3-3 दिन लग गए थे एक बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन को कन्फर्म होने के लिए, और कई ट्रांजेक्शन तो कन्फर्म भी नहीं हुई। तो जून और जुलाई में लोगों ने काफ़ी जो है इसके ऊपर बिटकॉइन हार्ड फोक, सॉफ्ट फोक, सेगविट, सेगविट 2x, बिटकॉइन स्प्लिट, ये सब जो इश्यूज चले, ताकि जो है मेन मोटिव जो था कि बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जल्दी से जल्दी हों और जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। तो इसी को ध्यान में रख के जो है सेगविट 2x को जो है एक्टिवेट किया गया, जिसके अंदर पहले जो शुरुआती दौर में जो है एक्सटेंडेड ब्लॉक का जो प्रपोजल, जिसको सॉफ्ट फोक भी कहते हैं, वो किया गया, और नवंबर में टाइम रखा गया कि जो है इसको हार्ड फोक करेंगे ताकि इसकी जो है स्केलिंग की जा सके। हार्ड फोक, सॉफ्ट फोक, सेगविट 2x, ये सब क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, हमारी आप दूसरी वीडियोस में हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं ताकि आपको और समझ में आए, अगर आप पहली बार ये चीज़ें देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि बिटकॉइन कैश जो है बिटकॉइन का ही हार्ड फोक हुआ था, स्प्लिट किया था कुछ माइनर्स ने मिलके जुलाई में, ये चीज़ को जो डिक्लेयर किया था, और 1 अगस्त को ये सक्सेसफुली जो है हार्ड फोक हुआ था, और जिसका जो मेन पर्पस था कि वो ये था कि जो उसका ब्लॉक साइज़ है वो 8 MB कर दिया जाए, ताकि जो है बिटकॉइन की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स जल्दी से जल्दी कन्फर्म हो, और ये 1 अगस्त को हुआ था। तो ये था हमारा पहला स्प्लिट। अब जो है नवंबर में स्प्लिट होगा, क्या चांसेस हैं, होगा कि नहीं होगा, क्या इश्यूज आएंगे, अब इस बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जल्दी कंफर्म हो रही हैं, और आपको ये भी ध्यान रखा होगा कि जो बिटकॉइन का जो जो फीस लगती है वो भी अभी जो है बहुत कम लग रही है, तो अभी भी जो है बिटकॉइन को स्प्लिट करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो ये आपको बता दें, जब सेगविट 2x था, जो एक कॉम्बिनेशन था कोर डेवलपर और माइनर्स के बीच में, एक प्रपोजल पे एग्री हुए थे और उन्होंने लॉक किया था कि जो है शुरुआत में जो है इसको जो है सॉफ्ट फोक किया जाएगा और एक्सटेंडेड ब्लॉक के थ्रू जो है इसका जो नेटवर्क है उसको लाइट करने की कोशिश की जाएगी, और जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम जो है हार्ड फोक करेंगे, यानी कि इसको स्प्लिट करेंगे 2 के अंदर। लेकिन जो स्प्लिट होने के जो चांसेस हैं, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है, तो इशू है कि होगा कि नहीं होगा, इस बारे में बड़ा आर्गुमेंट होती है। बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो एग्री करते हैं, अगर जो ब्लॉक साइज बढ़ाने की कोशिश की गई तो जो पावर है वो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथों में आ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जो सेगविट 2x है, डिज़ाइन ही जो किया गया है सॉफ्टवेयर, वो ऐसे किया गया है कि अगर 1% लोग भी जो है इस कम्युनिटी जो है 1% कम्युनिटी भी अगर इसको सपोर्ट करती है तो इट विल स्प्लिट अगेन। और अगर आप बिटकॉइन के स्प्लिट से बचना चाहते हैं तो जो 92% जो कंप्यूटिंग पावर है वो बिटकॉइन को बैक करना चाहिए, और जो मेजर की प्लेयर्स हैं वो सोच रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है ये होना। तो अब जो क्वेश्चन उठ के आता है वो ये आता है कि क्या ये बड़ा ड्रामेटिक होगा, बहुत उथल पुथल हो सकती है बिटकॉइन के अंदर। जी हाँ, बहुत आप वोलेटिलिटी रेट के प्राइस में बड़ा उतार चढ़ाव भी देख सकते हैं, बिकॉज नवंबर में क्या होगा ये अभी नहीं बता सकते, बट हो सकता है बिटकॉइन फिर से एक बार स्प्लिट हो और जिसके चांसेस
लग रहे हैं, और हो सकता है बिटकॉइन का जो है वोलेटिलिटी की वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे हो। लेकिन सबको समझने की बात यह है, माइनर्स और जो डेवलपर्स हैं उनको एक साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। और जो कि बहुत रिसर्च एनालिस्ट हैं, बहुत फेमस रोनी माउस, उनका कहना है कि बिटकॉइन का जो है प्राइस $5,000 तक हो सकता है अगले साल में, और उनके हिसाब से हो सकता है बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $50,000 तक हो अगले 10 सालों के अंदर। और लोगों का ये भी मानना है कि अगर स्प्लिट होगा तो बहुत सारी जो है कन्फ्यूज़न आने, जो नए जो बिटकॉइन के बारे में जान रहे हैं उनको भी हो सकती है, और जो कंपटीशन ऑलरेडी बिटकॉइन को और दूसरी ऑल्ट कॉइन से मिल रहा है तो इससे भी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम बिटकॉइन के लिए इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है 2009 में इस करेंसी का ईजाद हुआ था। जब ये ईजाद हुई थी तब इसका कुछ पैसे होती थी, और आज आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास एक बिटकॉइन की वैल्यू है। तो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अगर आप पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे कि 2013 में 2014 में भी स्प्लिट का इशू आया था, लेकिन जो डेवलपर्स और बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं उन्होंने कोशिश की थी कि साथ मिलके जो है इसका सॉल्यूशन का निकाल सकें और बिटकॉइन की जो यूनिकनेस है उसको बरकरार रखें। लेकिन जब ट्रांजेक्शन्स कंफर्म नहीं हुई तो उन्होंने कोशिश की कि इसका कोई ठोस सॉल्यूशन निकाला जाए, तब ये सेगविट 2x आया, लेकिन कुछ माइनर्स ने मिलके इसको उसी टाइम पे हार्ड फोक कर दिया, और हो सकता है बिटकॉइन दोबारा से स्प्लिट हो और इसका तीसरा हिस्सा भी बने। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इन चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।